में जो चाकू कांड हुआ उसमें जिस विद्यार्थी की मौत हुई, आप देखिए उस देवराज की अब शव यात्रा निकल रही है और इस वक्त उदयपुर के शमशान घाट में पहुंची है शमशान यात्रा। और आप देखिए सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है और बड़ी संख्या में उदयपुर के लोग जो हैं वो इस शव यात्रा में जुड़े हैं। आप देखिए हर वर्ग के लोग इस वक्त जो लोग हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप काउंट करते करते सक जाएंगे जिस प्रकार इस शव यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। ये आप देखिए देवराज का शव लेकर के बस अब शमशान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ उसे अग्निदाह किया जाएगा अंतिम विदाई के लिए। आप देखिए इस वक्त अगर पीछे आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ जुटे हैं शव यात्रा में। आप देखिए लोगों के नंबर जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से जब ये घटना हुई थी शुक्रवार को और जो सीन देखने को मिले थे उदयपुर में, लोगों का गुस्सा एकदम टूट पड़ा था और आपने देखा होगा जिस प्रकार से उदयपुर में धमाल मचा, जगह जगह लोगों ने आप देखेंगे कि दुकानों को आग लगा दी, कई गाड़ियां तोड़ी, मॉल्स पे अटैक हुए और उसके बाद शहर का पूरा तनाव बिगड़ गया। पिछले 4 दिन से उदयपुर में इंटरनेट भी बंद है, लगातार आप देख सकते हैं कि तनाव बना हुआ है। पूरे शहर को एक तरह से पुलिस ने छावनी में परिवर्तित कर रखा है और यहाँ जिस प्रकार से लोग पहुँच रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करता है उस रोष को, उस गुस्से को, उस एंग्विशनेस को जो देवराज की हत्या के बाद यहाँ पे लोगों में दिख रही है। उदयपुर के लोगों का ये कहना है कि पिछले 1.5 साल में ये दूसरा ऐसा वाक्य है जब इस प्रकार से हिंदूज को टारगेट किया गया है। कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ था उसके बाद भी लोगों में एक गुस्सा था, लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थिति शांत हुई और उसके बाद अब जिस प्रकार का माहौल यहाँ बना देवराज की हत्या के बाद वो दिखता है कि एक निर्णायक मोड़ पे ले जाना चाहते थे वो पूरे मामले को। और यहाँ आप देखिए सुबह 7 बजे ये अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सोच समझ के टाइम मुकर्रर किया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे इस सुबह सुबह के टाइम पे, लेकिन यहाँ आप देखिए जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे जैसे जो शव यात्रा है वो आगे बढ़ी, लोग जुड़ते गए उसके साथ और यहाँ आप शमशान में आप देखिए इस छोटे बच्चे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जो उदयपुर के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और उनके अंदर एक गुस्सा भी है। बार बार वो आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। जिस प्रकार का हमने देखा कल परिवार ने और समाज ने शव को क्लेम करने तक से मना कर दिया था, उसके बाद प्रशासन को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी, फिर जाकर के एक समाधान हुआ दोनों पक्षों के बीच में और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि अब जो है अंतिम संस्कार पॉसिबल हो पाया है। लेकिन यही अगर आप सोचिए कि ये 3-4 घंटे बाद होता ये अंतिम संस्कार, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते, इसमें पूरे शहर का वातावरण भी बिगड़ सकता था और इसीलिए ये सुबह जल्दी करने का फैसला किया गया। और यहाँ आप देखिए अभी भी लोगों का आना जो है वो बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं ये इस बात का परिचायक है कि लोगों के मन में कितना गुस्सा और जो कि हर व्यक्ति यहाँ पर बयान कर रहा है। उदयपुर में इस वक्त देवराज का अंतिम संस्कार चल रहा है और यहाँ मैं आपको बता दूँ शमशान में यदि आप देखेंगे कि शमशान भूमि पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं उदयपुर के वो जुटे हैं। सुबह 7 बजे का समय है, 7 बजे के आसपास का, और यहाँ आप देख सकते हैं
प्रशासन ने हालांकि सुबह का समय इसलिए चुना था कि थोड़ा भीड़ कम होगी, अराजकता का डर था उसे फैलने का, लेकिन यहाँ आप देखिए शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में उनकी मौजूदगी ये बताती है कि किस प्रकार का रोष है उदयपुर की जनता में। हमारे साथ उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद हैं। मीणा साहब, ये बताइए सबसे पहले कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं देवराज को अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो देने के लिए, और जिस प्रकार के लोग हैं, भले ही ये शांत हैं लेकिन इनके मौन में भी एक संदेश है। मौन में तो देखो साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कन्हैयालाल हत्याकांड में भी मौन थे, मगर उस टाइम पर उनको पूरा विश्वास था कि भाई न्याय मिलेगा, और आज भी वो अपराधी खुले घूम रहे हैं और उनकी जेलों में भी सुरक्षा हो रही है। तो ये देवराज का दोबारा ऐसा जो कांड हुआ है, ये कांड, ये उदयपुर वासियों का मौन धारण करना, ये इसको अनेसरी न ले। उदयपुर के एक एक नागरिक की यही मांग है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे देवराज को न्याय मिले। और रात को सभी का, परिवार का, समाज का यही था कि वास्तव में हमारे को न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए सरकार, प्रशासन और सभी समाजगण और युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी उद्योगपति, सभी व्यवसायिक, सभी ने एक ही निर्णय लिया कि हमारा उदयपुर शांति पूर्वक रहे। पहले भी शांत था, आज भी शांत है, आगे भी रहे। उसकी सभी की मौन रहकर यही मांग है कि इस देवराज हत्या कांड के अपराधियों को सजा मिले, और वो भी फांसी की सजा मिले। यहाँ तक हमारा उदयपुर का वास्तव में एक एक नागरिक यही चाहता है। हमारा जुवेनाइल एक्ट तो ये कहता है कि फांसी का प्रोविजन उसमें है नहीं, तो ऐसे जो फ्रेमवर्क है अभी कानूनी फ्रेमवर्क, उसमें कैसे फांसी मिलेगी? क्या आप लोग कानून में भी कोई बदलाव की मांग करेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं, ऐसा अगर 15 साल का बच्चा अपराध करेगा तो ऐसे हजारों अपराधी पैदा हो जाएगा, और उनको कौन लगाम लगाएगा? वो तो ये समझेगा कि मैं तो छूट जाऊंगा, वो तो सरेआम गोलियां चलाएगा, सरेआम आतंकवादी फैलाएगा, और आतंकवादी ऐसे ही पनपेंगे। अगर इसको मिल गई छूट तो 5 साल बाद में वो बाहर आकर वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो और अपराध करेगा, तो ये आम जन और आम समाज चुप थोड़ी बैठेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसा कोई न कोई प्रावधान लाए और ऐसे नाबालिग को भी कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरा देवराज का हत्यारा पनपे नहीं। कल जिस प्रकार से वार्ता हुई, हमने देखा मृत्यु की घोषणा होने के बाद एक डेडलॉक बन गया था, परिवार डेड बॉडी भी क्लेम नहीं कर रहा था क्योंकि, और समाज की तरफ से भी प्रेशर था। बाद में जो वार्ताएं हुई, आप भी उसमें शामिल हुए थे, तो जो समाधान निकला है 4 मुख्य बिंदुओं पे, आप फिलहाल उससे सहमत? उस पे कायम है, सरकार और समाज का जो वास्तव में प्रशासन, सभी समाज ने निर्णय किया है उसके ऊपर हम कायम है, और उसको न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी मांग है। और वास्तव में सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करके उन्होंने ज़्यादा इस पे ढिलाई नहीं बरती, और तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेकर जो भी करना था उन्होंने समय रहते कर लिया, इसलिए यह उदयपुर वासी शांत। देख सकते हैं कि जो अंतिम प्रार्थना है वो यहाँ देवराज के लिए जो मौजूद है लोग उनके द्वारा की जा रही है, और लेकिन इस प्रार्थना के साथ जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि देवराज को किसी भी तरह न्याय मिलना चाहिए, और जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर कानून में ही कोई बदलाव क्यों ना करना पड़े। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, उदयपुर।